Yes, Julie. Mr. Taneja, please send him in. अरे भाई क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को, जिसे देखो अपनी छोटी छोटी समस्याएं लिए वकील के पास चला आता है। किसी दिलवा दीजिए तलाक। शादियां तो हमारे बुजुर्गों की हुआ करती थी, कभी तलाक का ख्याल तक नहीं आता था। मे आई कम इन? आप जरा थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, आपसे पहले एक मिस्टर तनेजा हमसे जरा। मैं ही तनेजा हूं। हाँ आप आइए, आइए प्लीज। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। तो आप ही मिस्टर और मिसेस माथुर हैं? जी जी। देखिए मुझे आपसे एक कानूनी काम है। जाहिर। लेकिन किस सिलसिले में? तलाक के। ओ तो आप अकेले ही आए हैं? क्यों, क्या तलाक लेने के लिए बारात को लेके आना पड़ता है? मजाक कर रहे हैं जी। इनका मतलब था कि आप उसे नहीं लाए जिसे तलाक चाहिए। किसे? यानी अपने बेटे या बेटी को जिसे। जी मेरे बेटे को जरूरत होगी तो बाद में आएगा। हाँ यानी कि तलाक आपके बेटे को चाहिए। जी नहीं, मुझे चाहिए। जी जी, जी हाँ, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। आप मजाक कर रहे हैं? जी नहीं, मैं संजीदा हूँ। ऑफ कोर्स आप संजीदा हैं। ओ तो ठीक है, अगर तलाक आप ही को चाहिए तो आपका बेटा क्यों आएगा बाद में? हम आप ही से काम चला लेंगे। वो आएगा अगर उसे अपनी बात आपसे करनी होगी। यानी वो भी तलाक चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन उसे भी अपनी बीवी से कुछ समस्याएं हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आप लोगों का फैमिली बिजनेस है? जी जी, इनका मतलब है समस्याएं। खैर मुझे लगता है हम आपके केस के बारे में बातें करें तो अच्छा है। आप कुछ बता सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, ताकि हम आपके केस के लिए कुछ ग्राउंड्स तैयार कर सकें? बताने को कुछ है तो नहीं जी, मैं तो अपनी पत्नी को शादी होते ही तलाक देने वाला था, लेकिन फिर बच्चे हो गए। कैसे? कैसे मतलब? मतलब अगर तलाक देने वाले थे तो बच्चे। प्लीज मिस्टर माथुर, आप आगे बताइए। थैंक यू। बच्चे हो गए तो सोचा कि बच्चे बड़े हो तो तलाक दूं, और बच्चे बड़े हुए तो सोचा कि इनकी शादी हो जाए तो तलाक दूं। अब शादी हो गई तो बच्चों के बच्चे हो गए, अब इससे पहले कि उन बच्चों की शादी सर पर आ जाए मैं तलाक दे ही देना चाहता हूं। Enough is enough। क्यों जी? लेकिन ये आप तब से अब तक तलाक क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे थप्पड़ मार मार कर जबरदस्ती शादी करवाई। मैं तो तब भी ना मानता, लेकिन उन्होंने मुझे 2 दिन तक गुसलखाने में बंद कर दिया था। पिताजी दरवाजा खोलिए ना। पिताजी। आपको? तब मैं छोटा था ना। पिताजी दरवाजा खोलिए, मैं शादी करने को तैयार हूं। हाँ हाँ, और इस तरह एक और प्रेम कहानी का दर्दनाक दी एंड हुआ। प्रेम कहानी? मैं किसी और से प्यार करता था ना, बड़ी सुंदर लड़की थी, बिल्कुल आप जैसी, पंखड़ियों जैसे गाल, स्याह लंबे बाल। अब क्या बताऊं आपसे, हम दूर ही दूर एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। ओ तो आप ये तलाक लेकर उससे शादी? जी नहीं, वो तो कब की मरमरा गई होगी। जी मुझसे 2 साल बड़ी थी ना। तो अब उसकी क्या उम्र होगी? उसकी उम्र होगी कोई अब मुझे नहीं पता, लिख दीजिए बस, मुझसे 2 साल बड़ी। सब दरअसल बात यह है कि मेरे एक बेटे और 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, और मैंने अपना सारा कारोबार अपने बेटे के हाथ में सौंप दिया है, और मैं अब शहर से दूर अपने
मड आलान वाले मकान में बस एक बैचलर की तरह जीना चाहता हूँ। जिंदगी में पहली बार अकेले और शांति से। मिस्टर तनेजा, हम चाहेंगे कि आप फिर भी थोड़ा सा और सोच लीजिए। मुझे नहीं सोचना जी। वैसे भी इस उम्र में शादी का मतलब क्या होता है? जिन मियां बीवी में प्यार होता भी है तो भी इस उम्र तक आकर एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, क्यों जी? और फिर हम में तो प्यार था ही नहीं, और सच बताऊं तो पिछले 20-22 साल से एक तरह से मैंने उसे देखा भी नहीं है। लेकिन वो है कि अभी मेरे पीछे दौड़ती रहती है। अरे भाई छुट्टी दो मुझे, आप प्लीज मेरा तलाक करा दीजिए। बस ये रहा मेरा कार्ड, इसमें यहाँ का एड्रेस भी है और मेरे मडाइलैंड वाले मकान का भी। लेकिन उससे पहले आपकी बीवी से मिलना होगा। बीवी से? अरे साहब ये कानूनी बातें हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप मुक्त हैं, आपके आगे की जिंदगी आप खुशियों से भरी हुई होगी। थैंक यू, तो मैं चलता हूँ। हम भी चलते हैं। लेकिन मैं घर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हम आप ही के घर जा रहे हैं। चलिए मिस्टर माथुर। आज तक मैं समझती थी कि मर्द जब तक जवान है तब तक उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अब पता पड़ा कि वो बूढ़ा हो जाए तो भी उसका भरोसा नहीं। वो कहते हैं ना डियर कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। किसी बूढ़े ने कहा होगा ये, बेचारी मिसेस तनेजा इस उम्र में उन्हें ये सदमा झेलना पड़ रहा है। हाँ ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अरे भाई अगर तलाक देना ही था तो छोटी उम्र में दिया होता, शादी करते ही। लेकिन अगर तलाक देना था तो शादी क्यों की? वो डियर उनके पिताजी ने घुसल खाने में बंद कर दिया था ना उन्हें। मिसेस तनेजा ने भी उन्हें घुसल खाने में बंद कर देना चाहिए, तभी बड़े मियाँ तलाक भूल जाएंगे। पहले चलकर बड़ी बीवी का हाल तो देख ले। सुना है उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो अपने बाप के बारे में। सच पिताजी ने तो कमाल कर दिया, जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। हाँ आखिर हम लोगों को तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। मैं समझ सकती हूँ आप दोनों अपनी माँ के लिए कैसा महसूस कर रही होंगी। वो तो कर रही हैं, लेकिन हम अपने पतियों को क्या जवाब देंगी? आखिर वो भी तो कल को यही कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ और कह सकते हैं कि जब तुम्हारा बाप कर सकता तो हम क्यों नहीं। वाकई में बड़ी चिंता है माँ की कि पिताजी उनसे अलग हो रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें पिताजी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ हाँ तुम तो उन्हीं की तरफदारी करोगे। क्या मतलब? ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, कल को तुम भी मेरे साथ यही सब कर सको। मेरे ख्याल से हमें मिसेस तनेजा से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या महसूस करती है। मेरा क्या, मैं अनपढ़ गवार, अब इस उम्र में मैके जाऊंगी तो भाई भावज मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। पर माँ पिताजी तो ये घर तुम्हारे नाम कर रहे हैं, फिर तुम्हें मायके की क्या फिक्र? तू चुप रह, बड़ा आया बाप का हिमायती, वो अंग्रेज तो ये सब अंग्रेज। पिछले 40 साल में इसके पिताजी ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, मैं यहाँ हूँ तो वो वहां देखकर बात करेंगे, बिल्कुल एक्टरों की तरह। मैं देखती नहीं हूँ क्या वीडियो? अरे हम दोनों की एक टांग कब्र में पड़ी है तो दूसरी टांग कोर्ट में लेकर चले। तो ऐसा है मिसेस तनेजा, हम आपसे मिलना चाहते थे, मिल लिए, जान लिया कि आप तलाक नहीं चाहती हैं। हाँ उन्हें समझाइएगा कि इस उम्र में अब कौन मुझसे शादी करेगा। क्या माँ तुम दोबारा शादी की सोच रही हो? सोच ही रही हूँ ना, कर तो नहीं रही, वो तो सचमुच मुझे तलाक दे रहे हैं। माँ जी अगर मर्द जो चाहे कर सकते हैं तो औरत भी अपनी मनमानी कर सकती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि पिताजी अभी नहीं माने तो मैं आपकी दोबारा शादी करवा के दिखा दूंगी। हाँ तो ये पहला केस होगा जहाँ बहू सास की शादी करवाएगी। अच्छा जी तो हम चलते हैं। बच्चों किसी तरह मेरी शादी को बचा लेना, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वो तो सठिया गए हैं, अपने आप को बड़ा जवान और मॉडर्न समझते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा मिसेस तनेजा, हम उन पर ये बात जता देंगे कि वो कितने बूढ़े हैं और दकियानों से भी। अच्छा हम चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इस केस के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो डियर,
शादी उस मोटर कार की तरह होती है जो उम्र देखिए के... शादी के बारे में कई लेखक काफी कुछ कह चुके हैं, आप लेखक बनने की कोशिश मत कीजिए, सीधी और साफ बात बताइए। इस शादी के कई स्पेयर पार्ट्स बदलने होंगे, बल्कि मैं तो कहूंगा ये शादी बगैर स्पेयर पार्ट्स के है, सिर्फ ऊपर से ढांचा है अंदर से पोली है। ये शादी है या मूली है? क्या खैर बताइए इस केस के बारे में क्या किया जाए। मिस्टर तनेजा अपने मड आइलैंड वाले घर शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि ये सेपरेशन उन्हें तलाक लेने में काम आएगा। हाँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मड आइलैंड पर समंदर होगा। समंदर की लहरें होंगी। मिस्टर तनेजा बीच पर बन सवर कर टहल रहे होंगे, और एक चट्टान पर मिसेस तनेजा होंगी। वो वहां कैसे होंगी? क्योंकि वहां हम भी होंगे। उन्होंने आपको देख लिया है, वो इसी तरह मारे हैं। मोहतरमा अकेली बैठी हैं? क्या बात है, किसी का इंतजार है या समंदर की लहरें गिनी जा रही हैं? चलिए शाम का वक्त है, जरा सैल सपाटा ही हो जाए। तुम अरे पीछा करिए, पीछा करिए, पीछा करिए। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ी हुआ? बोल दिया ना कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, जैसे आई हो वैसे चली जाओ यहाँ से। मिसेस तनेजा, उन्होंने तो दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने तो दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने तो दरवाजा ही बंद किया ना। लेकिन अब क्या होगा? अगर मिस्टर तनेजा ने मिसेस तनेजा को अपने साथ रहने नहीं दिया तो मतलब सेपरेशन हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? उनके दिल का मोम पिघलेगा और वो दरवाजा खुलेगा। कब? अब इस मामले में तो मुझसे बेहतर तुम मर्दों को जानती हो। तो मिसेस तनेजा समझ लीजिए दरवाजा कयामत के रोज ही खुलेगा। तब इंतजार करें। किसका? कयामत का? हाँ तो मिसेस तनेजा आपने क्या बताया, आप पत्ता गोभी कैसे बनाती है? पहले प्याज को लाल करके फिर मैं जीरे का तड़का देती हूँ। अच्छा, मैं सूखे आलू और मटर ऐसे बनाती हूँ। ओफो, सब्जियों की बात तो फिलहाल मत करिए। तो खड़े खड़े क्या करें? ये मत भूलो कि तुम एक वकील हो। हाँ लेकिन मैं एक औरत भी हूँ। हाँ तो मिसेस तनेजा आपने आलू दम की रेसिपी क्या बताई थी? खुल गया, खुल गया। क्या 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 क्या? दरवाजा दरवाजा खुल गया। आप यहाँ आइए। हाँ आ जाओ। मिसेस तनेजा शुरू हो जाइए। लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही है। अपनी शादी के बारे में सोचिए, ठंडी अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी। तुम अभी तक गई नहीं, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? लीव मी अलोन। हे भगवान, अब अंधेरा हो गया और ये अभी तक यही, अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबा चलो अंदर, मैं रमेश को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें आके ले जाएगा। चलो चलो चलो, क्या मुसीबत है। चलो मुसीबत में डाल दिया। आओ हेलो। हाँ रमेश, हेलो 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 हेलो
हेलो, इस टेलीफोन का भी अभी डेड होना था। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ जी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारे हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा। ये आलू गोभी और लीजिए। मैं ले लूंगा, मेरे पीछे मत पड़ो। पीछे कहाँ, मैं तो सामने हूँ आपके। खाने के वक्त गुस्सा नहीं करते, अच्छी तरह से खाइए चबा चबा कर। मुझे दूध नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे दूध नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही सो जाऊंगा, मुझे सफेद चादर की जरूरत नहीं। मैंने कहा मुझे, मैं सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। तो क्या मैं गूंगा हो गया हूं? मेरी सिर्फ जबान चल रही, आवाज नहीं निकल रही। अब बिछाए दिए तो तुम सो जाना, मैं बाहर जाके सो जाऊंगा। चुपचाप दूध पीकर सो जाओ। मेरे साथ इस तरह बात नहीं करो जैसे मैं बच्चा हूँ। हाँ हाँ, साल से मुझसे रूठा हुआ है, न जाने क्यों। खबरदार तुम मुझसे इस तरह बात की। 40 साल नहीं की, पर अब करूंगी। मैं नहीं होने दूंगा, तुम्हें शहर चल के छोड़ आऊंगा। अरे आप क्या छोड़कर आओगे, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं ही पागल थी कि पागलों की तरह आपके पीछे पीछे चली आ रही हूँ। चली जाए ना, लो चली। राधा, क्या हुआ? फिर से मेरी कमर। लो देखो, हाथ मत लगाओ। तो बुलाया क्यों? आदतन, अब यही आदत तो तोड़नी है। अच्छा अच्छा, तोड़ते रहना, पहले बैठो तो सही। आहिस्ता, हाँ बैठिए। जरा सीधे रहिए, वरना कभी सीधे हो नहीं पाओगे। तुम चुप रहोगे? हाँ हाँ, मैं तो चुप ही हूँ, कमर तो सीधी होती नहीं। चले हैं तलाक देने। मुंह को ताला लगाओ। उसके तनेजा, आप इस उम्र में तलाक दे रहे? I'm sorry, none of my business। मैं दवा खाने जाके आपको कुछ दवाई और मलहम भिजवा देता हूँ। मिस्टर तनेजा, आप ऐसा करें, गर्म पानी का सिर। और करो बकवास लोगों के सामने। सच ही तो कहा था। सच? चलो बाहर घूमने चलते हैं। तबीयत ठीक होते ही उछल कूद शुरू। अच्छा भाई, नहीं बाहर नहीं जाते, यहीं बालकनी पर बैठ जाते। वो ठीक है, ये लो। लाओ भाई। हाँ संभल के। हाँ ठीक हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है जी कि जैसे सूरज पिघल कर समंदर में घुल रहा है। क्या? हाँ, जैसे अपना ही रंग समंदर को दे रहा है। कमाकल, तुमने ये कहाँ मान लिया?
पढ़ा नहीं, मैंने अभी अभी कहा। अब तुझे ये कैसे सूझा? क्या, मैं कविता लिखा करती थी जब छोटी थी, तब आपसे मिली भी नहीं थी। तो मुझसे मिलने के बाद क्या हो गया? वही जो हमारे युग में भारतीय नारी का हो जाता है। लिखना तो क्या, मैं ठीक से बोलना भी भूल गई। कह कह कर पति अनपढ़ गवार बना ही देता है। मैं तो वो भी भूल गई, मैं कभी लिखती थी, हंसती थी, गाती थी। अच्छा, गाती भी थी तुम? हाँ, क्यों नहीं, और नहीं तो क्या। मोहल्ले में मुझे लोग गंगूबाई हंगल कहा करते थे। अच्छा, तो गाओ, गाओगा? अभी? हाँ अभी गाओ। क्या गाऊं? अरे इतना अच्छा समय है। धीरे धीरे जा रे बादल, धीरे धीरे जा मेरा बुलबुल, सो रहा है शोरगुल न मचा। मेरा बुलबुल सो रहा है, बंद कर पाखे, बंद कर पाखे, नींद में डूबी हुई है शरबती आंखें, शरबती आंखें। जा तुझे मेरी कसम, मेरी कसम तू जा। रियाज नहीं हुआ तो गला नहीं चलता। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना अच्छा गा रहा, तुमने सीखा कहाँ से? कराची में एक उस्ताद के पास सीखती थी। और तुम पढ़ी कितना हो? 8 जमाते पास हूँ मैं। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। आपको पता ही क्या था? तब कराची में रहते कहाँ थे आप लोग? हम लोग चांदबी गली में रहते थे। चांदबी? अरे वहां तो मैं आता था बहुत, उस वक्त मैं हूंगा कोई 11-12 साल का। अरे मैं वही थी, पूरे दिन गली में घूमा करती थी। हो सकता मैंने तुम्हें देखा भी हो। पहचाना थोड़ी होगा, मैं इतनी सी थी। आपको क्या पता था कि मैं जबरदस्ती आप पर थोपी जाऊंगी? मुझे तो लगता है आज पहली बार मिला हूं तुमसे। जिंदगी में आज पहली बार ही तो बैठे हो अकेले मेरे साथ। और बताओ, और बताओ अपने बारे में। और क्या बताऊं? बताना क्या है मिस्टर एंड मिसेस माथुर, जिस तरह आपने पिताजी को अलग करके सुखी किया, बस मैं भी वही चाहता हूँ। पिताजी से ज्यादा तो माँ जी सुखी हुई होंगी मैके जाके। मैं भी मैके जाना चाहती हूँ बस। माँ जी मैके गई है या ससुराल, ये कौन जाने। अलबत्ता हम दोनों जरूर कल आपके पिताजी से मिलने मड़ालैंड जा रहे हैं। आप लोग भी वहीं आ जाइए, वहीं फैसला कर लेंगे। मैंने कहा जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग? कौन आप? ऐसे नहीं लग रहा मिसेस माथुर के एक्शन रिप्ले देख रहे हैं? जी जी हाँ, जिस तरह आपने आप कहा ना हमें देखकर, वैसे ही कई लोग आपसे पहले भी आप ही की तरह आप कह चुके हैं। मेरा ख्याल है मिस्टर माथुर हम लोग अंदर चलते। अंदर? लेकिन सुनिए तो राधा, ये लोग मिस्टर और मिसेस माथुर, तुम तो इन्हें नहीं जानती होगी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, यही लोग तो मुझे यहाँ छोड़ गए थे। क्या? लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हम इन्हें ले जाने आए हैं। जी जी हाँ, और हमने आपके तलाक का पिटीशन भी तैयार कर लिया है। आपको तलाक तो यूं मिल जाएगा। अब तो आप खुश हो? चलिए तनेजा, हम लोग तैयार होते हैं, चलना है ना। जी, मैं पैकिंग करके आती हूँ। और मिस्टर तनेजा, आप जरा इन पेपर्स पर दस्तखत कर दीजिए। यू मीन साइन? एक ही बात है, ये लीजिए पेन, यहां दस्तखत कर दीजिए। ओह,
कीजिए कीजिए। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। मेरा बुलबुल सो रहा है, यहाँ गाइए। बंद कर पाखे, बंद कर पाखे, नींद में डूबी हुई है शरबती आंखें, शरबती आंखें। एक आखरी यहाँ। जा तुझे मेरी कसम तू जा। हाँ नहीं हुआ तो गला नहीं चलता। थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। न जाने अब मिले न मिले, कहाँ से नमा। टाटा। जाओ। राधा, राधा, आप लोग मेरी बीवी को कहाँ ले जा रहे हैं? आपकी बीवी? अरे अभी तो आपने पेपर साइन किए। अब मैं सोचना चाहता हूँ। सोचना चाहते हैं? वो वक्त गया। नहीं नहीं, ये अभी नहीं जा सकती, कुछ और दिन। कुछ और दिन? वो तो उनकी मर्जी, मैं तो जाऊंगी। नहीं नहीं राधा, मत जाओ। अब देखो ना, पिछले दिनों सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था हमारे बीच। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। राधा, राधा, प्लीज डोंट लीव मी। राधा। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अबे गधे, तेरी माँ को ही तो गले लगाया हुआ है। माँ और यहाँ? अब उन दोनों बन गई है क्या? अरे पिताजी, मारवा दिया ना मुझे, यहाँ गड़बड़ करवा के आप वहां मिल लिए। पिताजी, हम दोनों अलग हो रहे हैं। नहीं, मुझे सोचने दो। ये सब आप ही का किया धरा है। बड़े मॉडर्न ख्यालात अपने बेटे को देने चले थे। हाँ भाई, मैं गधा हूँ, मानते हैं ना? क्योंकि मैं जिंदगी भर ये नहीं समझ पाया कि शादी किस चिड़िया का नाम है। और अब ये चिड़िया आपसे दूर रहेगी अगर आपने अपने बेटे को समझाया नहीं तो। बेटे, मुझ बूढ़े को देख कर कुछ अकल लो। शुक्र है अपने आप को बूढ़ा तो कहा। जवानी का तूफान अकल बहा के ले जाता है, सच। लेकिन बेटे, जिंदगी भर अपने जीवन साथी को छोड़ना नहीं, नहीं तो मेरी उम्र में आगे बहुत पछताओगे। शिला, मुझे माफ कर दो। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, बाप बेटे एक ही नाम है। अरे भाई, माफ कर दीजिए इन्हें, आखिर गलती किससे नहीं होती है। हाँ, ये बात तो सही है। सच बताइए माथुर साहब, होगा कोई ऐसा मर्द जिसने कभी ना कभी अपनी बीवी से अलग होना चाहा हो? नहीं नहीं, हाँ नहीं, मुझे पता नहीं। अरे भाई, सच सच बताइए, हमारी माफियों का सवाल है। यूं समझिए कि आप कोर्ट में खड़े हैं। नहीं होगा कोई ऐसा मर्द। क्या तुमने भी कभी अलग होने का सोचा था? मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करने वाली। हाँ, अब तो कर दो माफ। क्यों? देखो, पिताजी ने अपने आपको गधा भी कह दिया। क्या होता है? नहीं डियर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। क्या तुम मर्द नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था अब तक। सुन लिया ना, अब तो माफ कर दो। मिस्टर तनेजा, मिस्टर तनेजा, ओ मिस्टर तनेजा, आप लोग लड़िए, हमें मुद्दत बाद शांति मिली है, अब तो 40 वर्ष बाद ही बार आएंगे।